हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग क्लासेस पर। आज बताने वाले हैं क्लास टेंथ के सब्जेक्ट्स में लेसन दूसरा। आज लेसन दूसरा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है सत्ता की सरदारी, यानी कि सत्ता में सरदारी की कार्य प्रणाली। पहला चैप्टर तक सत्ता में सरदारी किस प्रकार होता है लोकतंत्र में, था ना पिछला में, तो उसमें देखेंगे कि लोकतंत्र किसे कहते हैं, सत्ता की सरदारी क्या होता है, और उससे जो हम लोग परिभाषा देखे थे वो किसे कहते हैं। चलिए इसमें हम कुछ लोग जान लेते हैं। पहले सत्ता क्या होता है बताइए, कोई बता सकते हैं सत्ता क्या होता है? क्या होता है सत्ता का मतलब? जैसे होता है किसी का जो शक्ति होता है, या किसी जैसे अपना शक्ति है, अपना शक्ति जो है किसी को दूसरे को दे देते हैं, देते ना है? शक्ति है या आपके पास एक निर्णय लेने की क्षमता होता है। क्या होता है? क्षमता। आपका एक वोट जो है या क्या है, सत्ता की शक्ति है। आपका एक वोट क्या करता है, किसी के सरकार बना भी सकता है, किसी सरकार के गिरा भी सकता है। वो क्या होता है? वोट। क्या होता है? वोट। तो एक वोट जो है किसी को हरा सकता है, किसी को जिता सकता है। ये सत्ता होता है, शक्ति होता है। क्या होता है? शक्ति। यानी हर व्यक्ति के पास में यह शक्ति है कि वह जो एक वोट से किसी को जिता सकता है, किसी को हरा सकता है। यह सत्ता होता है। आप सुने होंगे कि जो कोई नेता आता है तो बोलता ना है, यानी कि आप बोलते अपने बातों को रखते हैं कि हमारे यहाँ जो है नली नहीं बना है, हमारे यहाँ जो रोड नहीं बना है, हमारे यहाँ जो है सड़कें अच्छी नहीं है, है ना। और बहुत सारा बोलते हैं हमारे जो है इंदिरा आवास नहीं मिला है। ये क्या होता है? वो बोलता है अगला व्यक्ति जो हम जो है क्या जीते नहीं, हम सत्ता में नहीं है, हम जो है सरकार के सत्ता में नहीं है, शक्ति में नहीं है। तो कौन बोलता है? जो प्रतिनिधि आते हैं चुनाव में, जो वोट मांगने आते हैं, और जो प्रतिनिधि सत्ता में रह चुके होते हैं, वो क्या करते हैं? वो जो है सही तरीके से किसी को विकास नहीं कर पाते हैं, या देखते हैं कि चुनाव के समय आया तो आपके सब आएंगे आसपास में आकर मिलेंगे, बोलेंगे प्रणाम चाचा, है ना। जो छोड़ को छोड़ लड़की बनाते ना, प्रणाम भैया, है ना, छोड़ को लड़की बन के प्रणाम चाची, लड़की प्रणाम दीदी बोलते सब ना। इस तरह से क्या करता है, वोट मांगने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो ये जो चैप्टर है सत्ता में सरदारी के कार्य प्रणाली, हम इसको आज समझने की कोशिश करें कार्य प्रणाली क्या होता है ना। और सरदारी, साझेदारी का मतलब क्या चीज होता है? साझा करना, साझा समझते हैं, साझा। और ये क्या होता है सरदारी? साझा मतलब होता है जिसमें किसी जो चीज को लेन देन करके आपस में क्या करते हैं, एक भागीदारी करते हैं। क्या करते हैं? भागीदारी। भागीदारी करते हैं यानी कि आपस में जो है आपके जो है किसी को देते हैं 2 रुपया तो वो भी आपको देगा 2 रुपया, यानी आप दिए 2 रुपया, दिए 4 रुपया, दिए 5 रुपया, 6 रुपया, तो आपके बीच में क्या हो रहा है, एक लेन देन का क्या हो रहा है बताइए जल्दी, एक लेन देन हो रहा है आपके पास में। लेन देन क्या हो रहा है? बंटवारा हो रहा है। क्या हो रहा है? बंटवारा। और बंटवारा क्या चीज हो रहा है? सत्ता का बंटवारा, शक्ति का बंटवारा, यानी उसके पास कितना रुपया का जो है पैसा, यानी गड्डी है, कितना पैसा उसके पास बैंक में है, यानी सत्ता के क्या होता है लेन देन होता रहता ना है, यह साझेदारी होता है। या देखते हैं कि आपके जो पड़ोसी होते हैं आप उनके पास में सत्ता के सदन वहाँ भी करते हैं, कैसे साझेदारी करते हैं कि आप जो है आपके पास में अगर नमक नहीं रहता है तब बोलते हैं ये उधर नमक हुआ आज भर दे दो, कल दे दो तो नमक। या देखते हैं कि आटा खत्म हो जाता है तब आटा मांगने जाते हैं, वो आटा होता ना रोटी बना रहा है कल आटा दे दे, पिछतवा मम्मी ने दे दे, ऐसे होता है। यानी क्या चीज, वो दोनों के बीच में सत्ता की सरदारी हो, एक सरदारी हो, एक लेन देन हो रहा है। क्या हो रहा है? एक लेन देन हो रहा है। जो छोटा बच्चा रहता है देखेंगे, छोटा लड़का जो रहता है बॉयज रहता है ना, गर्ल लड़का छोटा छोटा, यानी मान लेते कि एक लड़का यहाँ पर है, यहाँ पर एक लड़का, यहाँ भी एक लड़का है, लड़का है ना, तो दोनों के बीच में भी क्या होगा, सरदारी होता है। क्या होता है कि एक लड़का बोलता है छोटका ये देना बिस्कुट बाज खिलाओ ना हमारा, तुरा कल खिला देवो, पक्का खिला देवो, हम पक्का खिला देंगे, है ना। तो बेचारा ही खिला देगा इसको, आई कल ही खरीदेगा, ए रे कल तुरा दे ले बिस्कुट वाला, देना झमरा देना, है ना, तू दे देगा इसको बिस्कुट देगा ना। तो दोनों में क्या हो रहा है, साझेदारी हो रहा है, लेन देन हो रहा है ना। यानी पहले जो बिस्कुट रहा था कि आज हमारा दे दे बिस्कुट खिला दे, हम तुरा कल खिला देवो, तो बेचारा खुश हो गया, ठीक है तू हमें कल खिला दे, हम तो आज खिला देती हम। तो दोनों में क्या हो रहा है, साझेदारी हो रहा है ना, लेन देन हो रहा है। और यहाँ पे क्या सत्ता में सरदारी के कार्य प्रणाली है, यानी खालू समाज के सत्ता क्या होता है और सरदारी क्या होता है। यानी सत्ता में सरदारी को हम कैसे परिभाषा देते हैं, तो हम पिछले चैप्टर में इसका परिभाषा लेके थे कि सत्ता का सरदारी क्या होता है, कि समाज में हर वह व्यक्ति
या समाज का वह समूह यानी हर वह समूह, हर वह धर्म जो सरकार में है ना, जो सरकार में अपनी भागदारी निभाते हैं, भागदारी देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सत्ता की सरदारी कहते हैं। यानी कि समाज के वह हर व्यक्ति, वह हर समूह, वह हर धर्म जो क्या करते हैं, अपने भागदारी निभाते हैं, अपनी भागदारी को देते हैं, उसे क्या कहते हैं, सत्ता की सरदारी कहते हैं। यही ना कहते हैं। तो सरकार कैसे चलता है, मान लेते हैं कि सरकार में कौन है, नीतीश कुमार है, तो नीतीश कुमार क्या चीज है, उसमें पार्टी है, नीतीश कुमार का पार्टी है, बीजेपी है ना, और भी अन्य भी अन्य लोग भी हैं। तो उसमें क्या होता है कि हर जो है, हर नेता हर व्यक्ति के जुड़ा रहता, हर जाति से जुड़ा रहता, हर धर्म से जुड़ा रहता, क्योंकि सरदारी करके क्या करते लोग, सरकार बनाते हैं, क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं, बनाते ना है। तो क्या होता है, सरदारी होता है, क्या होता है, सरदारी, समझ में गया ना। तो सरदारी में समझ लिया, लड़की लोग भी बहुत सारे लेन देन करती है, अपनी सहेली से करती है, देखे किए होंगे, जैसे जाते हैं कहीं घूमने फिरने, दे दे हमारा, दे दे तोरा, अंकल दे दे वो, ऐसे होता ना है। या होता जैसे आप गए कहीं पर, गए हैं तो दे दे हमारा, अपन क्रीम लगा लगे, हम क्रीम तोड़ दे लगा लगे, वाह सरदारी। सत्ता में क्या हो गया, सरदारी क्या हो गया। अब देखा कार्य प्रणाली क्या होता है, कार्य प्रणाली आप लोग समझे होंगे कि कार्य प्रणाली से काम किस प्रकार से किया जा रहा है, देखिए जरा काम को किस प्रकार से जो किया जाता है और कैसे जो है विकास होता है। जैसे अभी हम लोग जो इस क्षेत्र में हैं, इस क्षेत्र जो है कोई विधायिका क्षेत्र में होगा, यानी कि विधायक क्षेत्र में जो विधानसभा का जो चुनाव होता ना है, विधानसभा में, लोकसभा में, तो कैसे सरकार चलता है। सरकार चलाने के लिए क्या होना चाहिए, प्रणाली होना चाहिए, एक जो है कार्य करने की प्रणाली होना चाहिए। तो पहला कार्य प्रणाली कौन इसमें होता है, तो पहला होता है केंद्र सरकार, नाम सुने हैं, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार होता है। फिर होता है राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और तीसरा मानते हैं हम स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में बहुत सारी चीज आते हैं, जैसे नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत आता ना है। ग्राम पंचायत में कौन आता है, मुखिया, सचिव, सरपंच, ये सब आते ना है। और वार्ड परिषद में हम लोग क्या आते हैं, जो नगर परिषद अध्यक्ष, जैसे हम लोग भी अरवल में कौन सा में है, नगर परिषद में है ना, तो नगर परिषद का अध्यक्ष कौन है, यानी कि कौन है, साधना कुमारी। हाँ, तो ये जो है हम लोग क्या करते हैं, नगर परिषद पढ़ते हैं। देखिए केंद्र सरकार जो है उच्च उच्च स्तर से, उच्च से लेकर निम्न तक कैसे कार्य करता है, केंद्र सरकार को हम लोग समझते हैं। केंद्र मतलब क्या जो होता है, केंद्र को बोलते हैं संघ भी बोला जाता है, यानी क्या बोलते हैं, संघ। यानी देखिए भारत सरकार, भारत में अगर कोई कानून बनता है, यानी भारत देश में अगर कोई कानून भारत देश बनाता है, जैसे मान लेते हैं कि भारत में अभी मालिक कौन है, प्रधानमंत्री, अगर मान लेते प्रधानमंत्री नहीं रहते हैं, कोई भी घटना सिद्ध हो जाता है, तो उसका जो मालिक होता है राष्ट्रपति होता है, कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, जहाँ पर राष्ट्रपति का शासन चलेगा वहाँ पर कोई विधायक सांसद काम नहीं करेगा, वो जो एक तरह संवैधानिक तौर पर कार्य जो है चलेगा, क्या चलता है, संवैधानिक तौर पर। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, ये सभी में एक बताइए कौन चुनता है सबको, सब जो होता है नागरिक, कौन चुनता है, नागरिक, नागरिक मतलब जनता, कौन, जनता, हम लोग इस सबको चुनते हैं। आई सब सरकार चलाता है, किसके अंतर्गत चलाता है, संविधान के अंतर्गत, संविधान के दायरे में ही काम करेगा। अगर संविधान के दायरे में काम नहीं करते हैं, जिसके पास क्या होगा, इसमें जो है केस होगा, यानी कि FIR होगा, और ये जेल में जाएंगे, वहां पर जो है जो कोर्ट में जाकर क्या, हाँ, न्यायालय में जो क्या चीज होता, ऊर्ध्वर का शासन होता। आप नाम पढ़े होंगे विधायिका, पढ़े थे ना क्लास 9th में, विधायिका का जितने भी कानून नियम हम लोग पढ़ लिए थे। विधायिका होता है, उसका कौन होता है, कार्यपालिका, कौन होता है, कार्यपालिका, और उसके बाद कौन होता है, न्यायपालिका है ना। तो ये होता है कि सत्ता का सरदारी को हम लोग बोलते हैं, इसको बोला जाता है कि क्षैतिज में बांटते हैं तीन प्रकार से। क्षैतिज मतलब कि जिसका जो है विभिन्न अंग में एक क्या होता है, अलग, यानी कि एक ही स्तर पर होता है, और इसमें अलग अलग होता है ना। यानी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका जो है कानून बनाता है, कार्यपालिका जो है कानून को लागू करता है, दूसरे से लागू करवाता है, और न्यायपालिका कानून जो बनता है उसको न्याय दिलाता है या उसका व्याख्या करता है, कौन करता है, न्यायपालिका। जैसे हम न्यायालय में जाते हैं तो आपको वहाँ सजा सुनाएगा कि आपको जितना साल का सजा है, अगर मान लेते हैं कि आप जो है
गुनाह नहीं किए हैं तो वो साबुत है गुनाह नहीं किए हैं, तो आप जो कानून क्या करेगा वहां का न्यायालय आपको क्या बोलेगा कि जाइए आपको कोई केस नहीं है, आप जो है एक तरह से क्या हो गए रिहा है आजाद है, है ना। तो विधायिका कानून बनाता है, ये जो है लागू करवाता है, क्या करता है कार्यपालिका उसका जो है न्याय दिलाता या व्याख्या करता है। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और देखिए स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार क्या होता है, केंद्र सरकार में यानी पूरे देश में है ना जिसका सरकार होता है, यानी कि केवल एक सरकार होता है यानी संघ सरकार जिसको बोलते हैं केंद्र सरकार, क्या बोलते हैं केंद्र सरकार। यानी भारत सरकार में जो है भारत में यानी पूरे देश में जब एक जो सरकार शासन करता है उसे बोलते हैं केंद्र सरकार या बोलेंगे संघ सरकार। क्या कहेंगे संघ सरकार। जैसे मान लेते हैं कोई एक मालिक होता है, घर के एक मालिक होता है ना कोई, है ना। जैसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि अभी जो अभी के समय में नई नई जो बहुए आ रही है, जो पतोह आ रही है ना, तो जैसी घर में घुस रही है तो अपना हुकूमत चलाने लग रही है, अपने सासू माता के बोल रही है पानी दो, है ना, अपने सासू माता के बोल रही है ये पानी दो खाना दो, ये सासू माता आज हम कपड़ा खोल लिया फिर दिया ना, बोलती है ना, अपने बोलते हैं गाची कि अपने हस्बैंड को बोलती है ना ये हम साड़ी खोल दिया फिर दिया ना जानी हो हम जाए तनी बाजार है घूम के आओ तनी मार्केट से, है ना। अच्छा बोलेगी सब जा रहे हैं अभी काजी कर रहे हैं ऐसे नया नाती सब क्या कर लेती है झुलफी गिरा के बोलेगी तो अपने पति के ये जी हम जा रहे हैं मार्केट झड़ुया लगा दीजिएगा ना, बोलती है सब ना। तो क्या होता है यानी एक तरह से जैसी वो आती है घर में नई नई बहू आती है जैसी घर में आती है तो पूरा घर को हलचल कर देती है यानी अपना शासन चालू कर देती है, कर देती है यानी जैसे नई नई बहू आई तो अपने घर में कर देती है पूरा। हेलो नहीं समझ रहा तो देखिए इधर यानी जैसे आएगी नई नई बहू कहाँ पर जैसे नई बहू आएगी ससुरारी में तो अपना जो है एक तरह से हुकूमत जमाने लगेगी शासन करने लगेगी यानी कि पूरे गांव में यानी कि पूरे करगांव यानी पूरे घर में यानी जब 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 पूरे घर में पतों का शासन चलने लगेगा तो क्या हो जाएगा वो केंद्र सरकार, क्या हो जाएगा केंद्र सरकार। यानी पूरे देश में जब एक व्यक्ति जब शासन करने लगता है यानी पूरे देश में जो सरकार शासन करता है क्या होता है केंद्र सरकार। यानी जब पतो घर में शासन करेगा ना तो होता ना है यानी बहू जो है बहुत शासन कर रही है तो उसे हम एग्जाम्पल में समझ सकते हैं कि जब घर में पूरा शासन करने लगती है एकदम नहीं करती है ना तो क्या हो गया केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार के बाद कौन आता है राज्य सरकार यानी कि राज्य में यानी राज्य में जो शासन करता है यानी राज्य के अकॉर्डिंग जो सरकार चलते उसे बोलते हैं राज्य सरकार, है ना। राज्य सरकार यानी केंद्र जो है पहले देश हुआ उसके बाद कौन आया राज्य आया और उसके बाद स्थानीय, स्थानीय भी बताइए किस नगर निगम नगर परिषद या इसको बोलते हैं प्रशासनिक इकाई भी कहते हैं यानी सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन है स्थानीय सरकार कौन है नगर परिषद नगर पंचायत सभी क्या चीज स्थानीय सरकार के अंतर्गत है नगर पंचायती राज है ना। इसके इस चैप्टर में यही व्याख्या है यानी कार्य प्रणाली किसको क्या कार्य करने को दिया गया है, पुलिस को क्या कार्य है, न्यायपालिका का क्या कार्य है, नगर परिषद क्या करेगा, नगर पालिका क्या करेगा, जिला परिषद क्या करेगा, ये सभी का कार्य प्रणाली इसमें पढ़ना है किसमें। तो केंद्र सरकार ने पढ़ लिया ना, अभी क्या चीज है ये राज्य सरकार क्या है। राज्य सरकार क्या होता है जिसे कुछ नहीं ऐसे कानून बनाए जाते हैं जिसे राज्य के लिए शासन करता है ना, क्या करता है राज्य सरकार। यानी कि देखिए जो शासन का व्यवस्था होता है दो प्रकार का शासन व्यवस्था होता है, एक होता है एकात्मक, क्या होता है एकात्मक, एक एकात्मक शासन व्यवस्था होता है और दूसरा होता है संघ व संघात्मक, क्या बोलते हैं संघात्मक, संघात्मक शासन व्यवस्था। संघ मतलब जो होता है यानी कि एक साथ मिलकर, है ना। एकात्मक मतलब होता है कि पूरा देश में जब एक एक ही एक ही का सरकार चलेगा यानी कि एक सरकार चलाता है जैसे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री देखिए लॉकडाउन लगा दे लॉकडाउन तो पूरा क्या हो गया देश में लॉकडाउन लागू हो गया सब उसका पालन होने लगा ना। ये एकात्मक शासन व्यवस्था यानी कि एक जब एक शासन करता है जिसमें राज्य का कोई वैल्यू नहीं है वो आया अपना जो है फैसला सुनाया और चल गया, क्योंकि हो गया एकात्मक शासन व्यवस्था जिसमें एक ही का शासन चलता है, क्या होता है एकात्मक। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखेगा ठीक है एक बहू का एग्जाम्पल एक पोतों का एग्जाम्पल जैसे आई घर में क्या करें तबाही मचा दे, है ना। ससुर के ससुर पतो जितने भी घर में थे ननद सबको जो है नाक क्या बोलते हैं नाक में क्या बोलते हैं नाक में जम के क्या बोल जाए कहा थी ना नाक दम नोच दे है कैसे बोल जाए। क्या होता है संघात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक का जो होता है जब जब केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर शासन चलाता है
कैसे करता है? केंद्र सरकार और क्या चीज? राज्य सरकार मिलकर शासन करता है, क्या होता है? संघात्मक शासन व्यवस्था। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपसे पूछेगा कि संघात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं या संघीय शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संघात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? तो बोलेंगे कि जब यानी कि वैसी शासन व्यवस्था जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर क्या करती है, कार्य करती है, शासन करता है, उसे क्या बोलेंगे? संघात्मक शासन व्यवस्था। फिर समझ लीजिए, जब यानी कि वैसी शासन व्यवस्था जिसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर शासन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? संघात्मक शासन व्यवस्था। यानी कि एकात्मक मतलब वैसी शासन व्यवस्था जिसमें कोई एक ही सरकार शासन करता है, वो क्या होता है? एकात्मक। जैसे केंद्र सरकार क्या हो गया? केंद्र सरकार। हमारा देश कैसा देश है? संघात्मक है। क्या है? यानी हमारे राज्य में मुख्यमंत्री बनते ना है, तो हमारे देश कैसा है? संघात्मक है। क्या है? यानी संघात्मक। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं, एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि जब सासु माता और पतोह मिलकर शासन चलाती, उसे क्या बोलेंगे? संघात्मक शासन व्यवस्था। यानी क्या चीज? जब दो व्यक्ति मिलेंगे, कोई मिलेंगे? सास और क्या चीज? पतो। यानी कि यानी सब पतो है ना, कुछ पतो बहुत दम आज्ञाकारी रहती है, पूरा अपने सास के पूरा बात मानती है ना। सास माता अगर उसको सूखले नीमक खिलाएगी तो खा देगी, और कुछ रह आएगी सूखल तू नीमक देगा हमारा, अब तेरा घर तू घर से निकल, अब सासु माता घर से निकाल देगा, निकालता ऐसा होता ना, पूरा नियम लगाएगी, पूरा नाक उन्नों का गर्मियों में पूरा दम नहाली ओढ़ के, अब हमारा टीवी हो गल, अब हमारा खाना बनता भाई, सब ऐसा होता ना। तो क्या होता है? जब सास और पतो मिलकर घर का शासन चलाते हैं, उसे क्या कहेंगे? संघात्मक शासन व्यवस्था कहेंगे, है ना। जेकरा में सास पतो में नहीं बनता है, जिसमें सास पतो में लड़ाई झगड़ा होते रहता है ना, यानी कि या तो चलेगा सास माता का चलेगा, या तो चलेगा पतो का चलेगा, यानी कि या तो सासु माता का शासन चलेगा या पतो का शासन चलेगा, वो क्या होगा? एकात्मक शासन व्यवस्था होगा। आज जब दोनों में क्या होगा? बोली विचार मिलेगा, है ना। सास माता कहेंगे तो पोतो मानेंगे, पोतो कहेंगे तो सास मानेंगे, तो दोनों में क्या होगा? दोनों में एक तरह से संघ मानेगा, दोनों में विचार मिलेगा, मिलेगा ना। तो जब दोनों में विचार मिलेगा तो कौन शासन होगा? हाँ, तो ये जो पूछा गया है, संघीय शासन, संघात्मक शासन। एक होता है संघ, देखिए संघ सरकार होता है, संघ मतलब होता है जिसे केंद्र होता है, ठीक ना, संघात्मक हो जाएगा ना, और केंद्र। और राज हो गया स्थानीय सरकारी में होता है जिससे कोई स्थानीय प्रांतीय क्षेत्रीय सरकार होता है, जैसे हम लोग का जो प्रशासनिक इकाई होता है, हम तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री के फोन नहीं कर सकते हैं, कहीं पर घटना घट गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, या जो है नदी में कोई डूब गया है ना, या जो कोई ऐसा घटना घट जाता है जिससे हम लोग जो हॉस्पिटल पर नहीं ले जा पाते हैं और व्यक्ति जो है आधे रास्ते में मौत हो जाता है, होता ना ऐसा। हाँ, तो इससे जो हम डायरेक्ट प्रधानमंत्री कॉल नहीं करेंगे, डायरेक्ट मुख्यमंत्री का कॉल नहीं करेंगे, है ना, तो क्या करेंगे हम लोग? अपने स्थानीय एम्बुलेंस को फोन करेंगे, स्थानीय प्रशासन को फोन करेंगे, और स्थानीय जो मुखिया है, जो वार्ड परिषद है, जो नगर परिषद का अध्यक्ष है, जो विधायक है, या जो सांसद है, उसको ना कॉल करेंगे कि हमारे क्षेत्र में आपका जो साथी चुनावी क्षेत्र है, यहाँ क्या चीज है, यहाँ एक व्यक्ति का मौत हो गया, आप इससे आकर मिल लीजिए, चाहे इससे आपको जो है सहायता कीजिए। अब तो डायरेक्ट ना कॉल कर सकते, क्या हाँ प्रधानमंत्री के, हम हेलो हम मिंटुआ बोले थे, तो नाम सुन काट देगा कहेगा क्या है, तो बहरा गिर कोई फोन कर देता है ना, ऐसे बोलता ना। इसलिए जो हम पहले छोटी जो है छोटे छोटे जो शासन व्यवस्था जाते हैं, अब मान लेते हैं कि आपको कोई चीज घटना घट जाता है, तो पहले केस करिएगा, जाके थाना से कोर्ट में, कोर्ट से हाई कोर्ट से जाइएगा सुप्रीम कोर्ट, है ना, फिर जाइएगा दिल्ली में जाइएगा ना। तो ये क्या होता है? सत्ता में सदारी कार्य प्रणाली है, यानी कि सभी का जो शक्ति का बंटवारा है, क्या बंटवारा, तो सत्ता में जो कार्य प्रणाली है, हमको इसी चैप्टर में हमको यही पढ़ना है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार में जो भी नगर परिषद है, नगर पंचायत है, नगर निगम है, इसका क्या कार्य है, या नगर परिषद में जो है कितना में जो स्थापना करते हैं, कितना में क्या होता है, ये समझ में पूरा आ गया ना। नगर स्थानीय जो भी था, यानी कि सत्ता में सदारी की कार्य प्रणाली समझ में आ गया। जैसे हम पढ़े थे कि अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि सत्ता में सदारी क्यों जरूरी है, या सर कोई भी सरकार चलाने की क्यों जरूरी है, तो कोई बता सकते हैं कि लोकतंत्र में सत्ता के सरदारी क्यों जरूरी है? बोलिए, लोकतंत्र में सत्ता के सरदारी इसलिए जरूरी है क्योंकि
हमारे देश एक विशाल देश है, यहाँ पर हर जाति धर्म वंश यानी सभी लोग रहते हैं, है ना। उनको विकास करने के लिए क्या करना चाहिए, कुछ जाति के लोग जो है उस जाति के लोग क्या करेंगे, सरकार में आएंगे, प्रतिनिधि के रूप में आएंगे, तो कुछ उस जाति के लोग मिल जाएंगे, कुछ उस जाति के लोग मिल जाएंगे। तो जब सब जाति लोग मिलकर एक सरकार बनाएगा जिसमें क्या होगा, दोनों सभी का विकास होगा, क्या होगा, विकास होगा, तब ना होगा सत्ता के साथ सरदारी। इसलिए जो है लोकतंत्र में सत्ता की सरदारी जरूरी है। हम जो पिछला क्लास में इसका भी आंसर भी लिखे थे ना, याद है, लोकतंत्र में सत्ता की सरदारी क्यों जरूरी है, बोलिए। लोकतंत्र में सत्ता की सरदारी इसलिए जरूरी है क्योंकि क्योंकि हमारा देश एक विशाल देश है, यहाँ पर विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं, उनका विकास में करने के लिए लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और उसको ध्यान में रखते हैं, कोई भी घटना घटता है तो वहां पर जरूर पहुंच जाते हैं। और एक प्रतिनिधि दूसरे प्रतिनिधि क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। क्या क्या होता है, सत्ता में सुधारी की कार्य प्रणाली है ना, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार है ना। जब दोनों मिल जाता है तो इसको समवर्ती सूची भी कहा जाता है, जब दोनों का शासन मिलता है तो समवर्ती सूची। यह क्या था, आज का इंट्रोडक्शन था, और इसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। जय हिंद।